बहुत कम लागत है। आप इसको कोयला पे आराम से बना सकते हैं, चाहे तो गैस पे, मतलब कहीं भी आप सेटअप घर के अंदर या घर के बाहर। ये जो बिजनेस है ना सर, इसमें बहुत कम पैसा हम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा फैक्ट्री आपको दिखाने वाले हैं, जो प्रोसेस शुरू से लास्ट तक होता है, पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते, काट के इस तरह का बनता है, घर से भी कर सकते हैं, एक छोटे से रूम से कर सकते हैं। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आदित्य फाउंडर ब्लॉग। दोस्तों लगातार हमारा कोशिश रहता है कि नए नए बिजनेस के बारे में बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडिया का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, इसको कई लोग गुपचुप बोलते हैं, कई लोग पानी पूरी बोलते हैं, कई लोग फोचका बोलते हैं, मतलब हर जगह पे अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका बिजनेस करना, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों दिखाने वाले हैं प्रोसेस के, कैसे ये बनाया जाता है। एक फैक्ट्री में मैं आ गया हूँ, ये झारखंड के हजारीबाग में पड़ता है, और दिखाता हूँ कि कैसे ये गुपचुप बनाया जाता है। और यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, थोड़ा सा देखेंगे किस तरह के दोस्तों आपको कटा हुआ है, और ऐसे ये दोस्तों बनाया जा रहा है और यहाँ पे छाना जा रहा है। थोड़ा सा दिखाएंगे नज़दीक करके कैमरा कि ये बनाने का प्रोसेस है, लेकिन जो पहला स्टेप होता है दोस्तों वो वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे ये बनकर रेडी होता है और आप कैसे बनाकर मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, थोड़ा सा देखेंगे कि इस तरह से बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, मैं आपको सारा कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए नितेश जी। सर सबसे पहले बता दें कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए अपना। मैं बहुत बढ़िया हूं, पटना से आया हूं, खास करके हजारीबाग में। मैंने देखा कि यहां पे गोलगप्पा बनाया जाता है, और जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो खास करके मैं दोस्तों यही चीज़ जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इस फैक्ट्री में आया हूँ। तो सर सबसे पहले प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है, और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सर यहाँ पे हम लोग पानी पूरी छान रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये पानी पूरी छाना जा रहा है, जो यहाँ पे छना रहा है, ठीक है? इसका लेकिन फर्स्ट प्रोसेस हमारे अंदर होता है जहाँ। अच्छा, थोड़ा देखेंगे इस तरह का पानी पूरी होता है, थोड़ा सा नजदीक दिखाएंगे, फिर से दिखाएंगे कि इस तरह से, मतलब कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर में किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ा सा। और ये जो मार्केट में बिकता है वैसा सेम ही होता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही सर, तो वही। इसका जो पहला स्टेप होता है सर बनाने का, वो हमको इस वीडियो के अंदर में हमारे जो व्यूअर हैं उनको दिखाएं कि पहला स्टेप क्या होता है, कि कैसे ये बनाया जाता है। चलिए सर हम आपको दिखाते हैं कि इसका, अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है बनाने का। अच्छा, ये पूरा फैक्ट्री आपको दिखाने वाले हैं, जो प्रोसेस शुरू से लास्ट तक होता है ना, वो दोस्तों वीडियो के अंदर में दिखाने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखेंगे ये सर मशीन है, ये है सर पहला प्रोसेस। यहाँ पे ये मशीन में आटा जो है हम लोग फर्स्ट में इसको सानते हैं, ठीक। अच्छा। है ये आटा सानने का है, इसमें आटा जो है मिक्स किए। अच्छा। मिक्स करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे लोइया बनाएंगे, छोटा छोटा लोई बना के यहाँ पे जो है सो रखेंगे, ठीक है? अच्छा। यहाँ रखने के बाद ये लाइन से ये इसमें एक एचपी का जो है मोटर लगा हुआ है, आराम से कहीं भी घर में कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई ये आता है लघु उद्योग में आता है इसके लिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी कर सकता है अपना घर में कहीं भी, ऐसा नहीं इसके लिए मतलब कुछ करना बहुत बड़ा, इसको कहीं भी आप लगा जो है लगा सकते हैं, छोटा पैमाने में। ये आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं आपको मशीन ही लेना, आप घर से भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में ये भी बताएंगे कि अगर आप घर से करना चाहते हैं और ठेला वगैरह पे करना चाहते हैं, मशीन की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका जो काम है बड़े लेवल का, मतलब कि हाँ 8 से 10 ठेला आपका चल रहा है हर जगह पे, मतलब कि शहर के अलग अलग कोने में, तो इस तरह का मशीन आप ले सकते हैं। वैसे आप इस बिजनेस को घर से भी कर सकते हैं, एक छोटे से रूम से कर सकते हैं, ये दोस्तों आप पे निर्भर करता है कि किस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं। मशीन की कोई जरूरी नहीं, आप बड़े लेवल के करते हैं तो मशीन जरूरी। तो पहला प्रोसेस ये होता है, इसको इस मशीन को बोलते क्या है सर, थोड़ा सा ये बता देना। ये आटा मिक्सर है सर। अच्छा अच्छा, आटा गुठने वाला मशीन है। आटा ये जो होता है कटिंग करने वाला, कटिंग करने के बाद, क्योंकि कट करने के बाद कैसा होता है थोड़ा सा दिखाएंगे सर। यहाँ पे लोहिया जो है डाले, यहाँ से चिपके यहाँ निकलता है थोड़ा सा, इसको लेकर आए यहाँ पे बिछा के, और ये है कटिंग करने वाला, ठीक है? अच्छा, दिखाएंगे नजदीक से दिखाएंगे चीज को। इससे जो है सो ऐसे करके ये बनता है, इससे जो है ऐसे जो है सो काट के इस तरह का बनता है, गड्डी बनता है। इस तरह का बनाया जाता है जी, ये गड्डी यहाँ पे बनता है। इसके बाद ये यहाँ पे, इसके पहले जो दिखाया हम लोग जो वीडियो में जहाँ पे छना रहा था, वैसे आप लोग आराम से छान सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कटिंग करने के बाद, इसके बाद जो होता है सबसे बड़ा
जो प्रॉब्लम होता है पानी, है ना, बिल्कुल, ये अलग अलग फ्लेवर में मार्केट में पानी देखा जाता है, तो इस तरह का पानी भी बनाने की बात करेंगे तो वो कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा ये भी बताएंगे। बिल्कुल सर, हमारे पास सर ये तो हो गया आपका बड़ा पैमाना, अगर आप चाहेंगे हाथ से बनाने के लिए तो उसके लिए भी हमारे पास जो है जो प्रोसेस है, हाथ से जो बनाना है छोटा पैमाना पे, कोई अगर जो है चाहता है कि सिंगल हम अपना एक अलग सिर्फ अपना खोलें उसके लिए भी है, और कोई जब बड़ा पैमाना इस टाइप का सेटअप किसी को चाहिए तो वो भी आराम से यहाँ आके सीख सकता है, देख सकता है, रह सकता है, हमारे पास सब तरह का सुविधा है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि आप सिखाते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, किसी को भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप सिखाते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे आएंगे हम उनका हेल्प करेंगे, सिखा सकते हैं दोनों तरह से, यहाँ हाथ से छाने वाला छोटा पैमाना पे, बड़ा पैमाना पे, यहाँ पे रहने का खाने का सब कुछ का यहाँ। अच्छा, अलग अलग इन्होंने हाँ, रूम रखा है कि आप कहीं से भी आता, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आकर कहीं से भी आइए आराम से आके हमारे पास रहने का। अच्छा, थोड़ा सा रहने का व्यवस्था देखें इनका, रहने का, खाने का। हाँ, तो ये दोस्तों कहने का मतलब ये ट्रेनिंग देते हैं आपको कि आप यहाँ पे आए और इनका जो बिजनेस मॉडल है, मतलब करने का मतलब ये इतना ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ है कि आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। यहाँ अभी अलग अलग कितने आपने रूम रखे हैं सर? खास सर हमारे पास अभी यहाँ पे 9 रूम है सर। अच्छा, है? हम लोग अभी अभी दूर दूर से लोग आके रह रहे हैं, सीख रहे हैं। और अच्छा, इसमें हमारे पास और एक क्या है कि अगर कोई सीख के अगर अपना बिजनेस उसको शायद करने में नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास जॉब के लिए ऑफर, आराम से यहीं पे कर लेगा, बहुत बढ़िया प्रिपेयर, जब बहुत बढ़िया तरह से सीख लेगा, हर कुछ समझ लेगा, उसके बाद जाके अपना छोटा मोटा शहर में जहाँ का जो है वहाँ जाके आराम से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जो मार्केट में बिकता है सर जो पानीपुरी, और इस पानीपुरी में क्या अंतर है, दोनों में बताएंगे थोड़ा सा? सर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, सेम दोनों में है टेस्ट खाने में। हम लोग आज नहीं, आज तो हम लोग 2-3 साल से इसका जो फीडबैक है ना, खाने के बाद एक बार लोग बोलता है कि वाह क्या चीज़ है, और हम लोग अच्छा, में सिर्फ सिंगल पानी नहीं है, लोगों का सिंगल पानी है, हम लोग कुछ अलग एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसमें कि हम लोग का कम से कम 10 तरह का फ्लेवर है, लेकिन अभी हम यहाँ पे आपको वो भी दिखाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं पहले दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक आएंगे सर, तो इस तरह का बिजनेस जो आप कर सकते हैं बहुत तरह से कर सकते हैं इसमें, एक तो आप ठेला पर बेच सकते हैं, बिल्कुल, और दूसरा आप इस तरह से पैकिंग करके, बिल्कुल पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं, होलसेल रेट में ठेला वाले को या फिर मार्ट वगैरह में। आजकल लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग घर में भी बना के खाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं बता देता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर में, इसका लाइफ कितना है जो बता दें हमारे व्यूअर को। सर यही तो इसमें सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो है सो वो गुपचुप के थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें एक दो दिन में आपका अगर धूप कंडीशन अगर लो है ना तो वो खराब हो जाता है, लेकिन इसमें बारिश में भी खराब हो जाता है, कोई सीन नहीं है, खाने में भी एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक है, खाने में भी अलग है, और इसको कम से कम आप 40-50 दिन आराम से घर में जो है सो रखिए और आराम से खाइए बिंदास, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इस तरह से आप पैकिंग करके मार्केट में अपना मार्जिन रख के, मतलब कि यहाँ से सीख जाते हैं, जो सीखने का प्रोसेस होता है सर वो कितने दिन का होता है? यहाँ पे सर हमारे पास आएंगे लोग, उनको 7 दिन का प्रोसेस, 7 दिन में हमारे पास 3 तरह का चीज सीखते हैं, पहला हाथ से बनाना, दूसरा वो मशीन जो आपको दिखाया है मशीन से बनाना, छानने वाला, और पानी, 3 तरह का। हम लोग अभी फिलहाल जो अभी हम लोग जो पानी जो दे रहे हैं, एक तो हो गया रेगुलर जो सबके पास मिलता है, दूसरा हो गया खट्टा मीठा, और तीसरा हो गया पुदीना, ठीक है, ये तीनों का डिमांड ज़्यादा है। बाकी हमारे पास पाचक जीरा, हाजमा हजम, उसके बाद मटर मक्खन का, ये सब बहुत सारा फ्लेवर है, उतना डिमांड नहीं, ये 3 फ्लेवर ट्रेंडिंग में है, ये हम लोग जो है सो अभी जो है चला रहे हैं आपको हमारे पास। अच्छा, आपको ज़्यादा मार्जिन कमाना, आपका एरिया अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे फ्लेवर रख सकते हैं, सारे फ्लेवर हैं ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसकी खासियत कि दोस्तों इस तरह से आप बना देते हैं तो इसको और कहाँ पे बेचा जा सकता है, तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे कई लोग चाट वगैरह बेचते हैं तो उनको बनाने को टाइम नहीं मिलता है, तो उनको आप बेच सकते हैं, रेस्टोरेंट है थोड़ा बड़ा, रेस्टोरेंट वगैरह में जो चाट का है वहाँ पे। अच्छा, रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं क्योंकि उनको पास भी टाइम नहीं होता बनाने का, मतलब कि एक अलग बिजनेस है। और देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लगातार काम चल ही रहा है, मतलब कि यहाँ पे बनाया जा रहा है इस तरह से, और जो और इसमें बहुत कम लागत है, आप इसको कोयला पे आराम से बना सकते हैं, चाहे तो गैस पे, मतलब कहीं भी आप सेटअप घर के अंदर या घर के बाहर छत पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कोई इशू टाइप का कुछ जो है नहीं कि इसको कहाँ कहाँ क्या करना है। अच्छा, ये होता है प्रोसेस, और बाकी इधर देखेंगे कि इस तरह से बनाया जाता है, बाकी सारा मटेरियल या तो आप कोयला बना सकते हैं या गैस से बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे और जिसको आना है देखिए। अच्छा, मटेरियल वगैरह सारा चीज मतलब कि यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको। अच्छा, इतना बड़ा आपने एरिया रखा है सिर्फ जो ट्रेनिंग करने आते हैं,
वहाँ सीखने आते हैं उनके लिए रखा है ना जी सर। ये सब ग्राइंडर वगैरह जो सुबह सुबह जो हम लोग पानी वगैरह बनाते हैं इसके लिए ये सब रूम है, कोई आके रहना खाना ठीक है, आराम से यहाँ पर रह के खा के सीख के, और किसको जॉब चाहिए वो भी जो है आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये बताएं कि 7 दिन में अगर कोई नहीं सीखते हैं ये जो पानी पूरी बनाना, तो उनके लिए क्या आपने सिखाया? कि के लोग होते हैं कि 7 दिन में भी नहीं ढंग से सीख नहीं सीखते हैं। उसके लिए आराम से आप यहीं पे जो है सो रहिए, उनको हम उसके बाद उनको सैलरी हम देंगे, आप मेरे पास ही जॉब कीजिए आके। अच्छा कहने का मतलब कि 7 दिन में नहीं सीखते हैं तो क्या उनको और दिन भी रहकर सिखाते हैं? आराम से आप जब तक नहीं सीख पाते, जब तक आप पूरा लगता है नहीं कि आप पूरा सीख गए आप जाके अपने से खुद कर लेंगे, तब तक आराम से यहाँ रह खा सकते हैं। और आराम जब उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग इतना स्टार्टअप किए हैं कि लोग आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर अपना घर चलाए। बहुत बढ़िया, मतलब कि दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत ही कम पूंजी। सर पूंजी कितना अगर बात की जाए तो इस बिजनेस को करने के लिए कितना पूंजी की जरूरत पड़ती है? मैं देख रहा हूँ इधर पानी पूरी का, तो कितना से ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है थोड़ा सा बता दें। ये जो बिजनेस है ना सर, इसमें बहुत कम पैसा हम आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको आराम से जाके मैदा आटा वगैरह लाइए वहाँ से, बस वही है और इमली, यही 3 चीज़ें। मतलब बहुत छोटा से आपके पास अगर 5,000 का भी पूंजी है ना, तो आराम से 5,000 का लागत जो है लगाइए, शाम में 3,000 आराम से कमा करिए। अच्छा ये 5,000 का आप लागत लगाते हैं तो 8,000 कम से कम आपका बिल्कुल डेली का जो प्रॉफिट करने का मतलब है 3,000 रुपया 2,000 रुपया आसानी से। आप अपने एरिया के हिसाब से निर्भर करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस एरिया में बेच रहे हैं, उसी एरिया के हिसाब से आप कमा सकते हैं। बाकी बड़े लेवल का बात जो मैंने कहा था, तो उसमें आपको मशीन वगैरह लेना पड़ेगा, वो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, दोनों तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, रहकर सिखाया जाता है। एक जैसे मतलब कहने का मतलब एक छोटा सा पौधा होता है, तो उस पौधे को देख रेख करते हैं और जब तक वो खुद खड़ा नहीं हो जाता है उस तरह से आपको दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको स्टार्टिंग से आपको सिखाते हैं और जब आप खुद उस लाइक हो जाते हैं तब आप दोस्तों खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और 7 दिन में ही ये चीज़ आपको पूरी तरह से सिखाया जाता है। मैं ठेला भी दिखाने वाला हूँ कि बाकी किस तरह से बेचा जाता है मार्केट में। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। ट्रेनिंग का जो चार्ज होता है क्या आपने रखा है? सर इसका ट्रेनिंग का चार्ज बिल्कुल जेन्यून है एकदम, वो कॉल नंबर कॉल करेंगे उनको सब बता दिया जाएगा। अच्छा मतलब कि नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करते हैं, कॉल करेंगे, मतलब कि बहुत जेन्युइन मार्क, बहुत सस्ता, बिल्कुल बहुत बहुत सस्ता, कोई तरह का बड़ा पैमाना वैसा नहीं कि 4-5, 3-4 ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है। हम चाहेंगे कि अपने तरफ से जो हेल्प हो सके और जितना कम में मिल सके आराम से कोई अपना बेनिफिट 2,000-4,000 का अच्छा आराम से घर बैठे। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सर कि बड़े बड़े लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्रेंचाइजी में इस तरह से अगर आप स्ट्रीट फूड कर लेते हैं तो 5,00,000-8,00,000-3,00,000 का मतलब कि खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप ना करके आपसे जुड़ कर करना चाहते हैं कि नहीं सर आप ही कुछ सारा व्यवस्था करके दे, सेटअप करके दे, बिल्कुल। तो उस तरह का करना चाहते हैं तो क्या मतलब उस सब का खर्च क्या रहता है, थोड़ा सा क्या इसका प्रोसेस रहता है थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल सर खर्च बिल्कुल जेन्युइन, अगर हमसे कोई जुड़ के करना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका, कुछ नहीं, हमारे साथ आए काम करे देखे और आराम से हमसे जुड़ के काम कर सकता है। अच्छा कहने का मतलब बहुत ही कम पूंजी से किया जा सकता है, बहुत कम पूंजी में आराम से जो है करके अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो जॉब वगैरह का भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है ना सर? बिल्कुल, हमारे पास आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे रहकर जॉब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ आइए, रहना खाना 15,000 रुपये से ऊपर आराम से यहीं पे रहिए, जब आपको समझ में आया कि नहीं अब हम कर सकते खुद, उसके बाद अपना जहाँ शहर आपका आराम से वहाँ जाकर ये कार्ड खोलिए आराम से लगाइए और बिल्कुल। बाकी दोस्तों मैं यहाँ का एड्रेस एक बार जान लेता हूँ, एड्रेस अपना क्या रहने वाला है सर थोड़ा सा बता दें? ये झारखंड का हजारीबाग है, हजारीबाग शहर है, यहीं पे हम अपना कार्ड भी है, नेक्स्ट में हम लोग कार्ड भी अपना दिखाएंगे क्या है फुल सेटअप। ये तो हो गया अपना फैक्ट्री का, ये बेचने का प्रोसेस भी हो गया कि होलसेल में या फिर रिटेल में या खुद का, ये तीनों अब आपको अपना कार्ड दिखाएंगे। अच्छा तो एड्रेस भी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और स्क्रीन पे नंबर रहेगा, वो ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं कि क्या रहेगा सारा कुछ। इस वीडियो को अंदर में तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।